नगीना सिंह रोड के रहने वाले मोहम्मद साबिर राइन ने अपनी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ शनिवार को एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। बाद में नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कार्य को रुकवा दिया। मामला झोरियागादी मौजा अंतर्गत खाता संख्या 5 प्लॉट संख्या 190 का है। यहाँ पर कुछ भूमाफियाओं के द्वारा इस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने के विरोध में उचित न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा गया। वहीं इस संदर्भ में मोहम्मद साबिर राइन और उनके पिता ने बताया कि उक्त जमीन नीलामी में खरीदा गया था, जिसके बाद दूसरे पक्ष से जमीन को लेकर इस्लामी मियां से केस चल रहा था, जिसमें कोर्ट से उनके मामले में जीत हुई। इधर तीसरी पार्टी जबरन भूमि कब्जा करने के लिए शनिवार को मोहम्मद पलटन, कर्नल मीनू मियां, शहजाद उर्फ भोला जमीन पर पहुंचकर ट्रेंच काटकर जमीन पर कार्य करने लगे। हालांकि पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर नगर थाना की टीम ने काम को बंद करवा दिया। थाना में मामला जाने के बाद भुक्तभोगी जांच कर कार्रवाई की मांग की। वहीं उन्होंने बताया कि माफियाओं के द्वारा लगातार जान से मारने और इस जमीन से भाग जाने की धमकी दी जा रही है। यह जमीन की डिग्री गिरिडीह कोर्ट से मिली है। फिलहाल हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। बोलिए, क्या हुआ था जमीन को? जमीन मेरा है और इसमें केस चल रहा है, जिसका डिग्री है हाईकोर्ट में, देखिए कागज है। आदमी लोग बराबर धमकी देता है, जमीन माफिया चारों है, चारों मिनुआ है, भोला है और पलटनुआ है, मिनुआ है, चारों मिलकर धमकी देते हैं हमको कि जान मार देंगे आपको, घर लूट लेंगे, ये कुछ तरीका है। आज क्या हुआ था? आज पुलिस आया और काम जो है रुकवाया। तो आवेदन उवेदन दिए हैं थाना में? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सैफुद्दीन। आप ही के नाम से जमीन है? जी हाँ। जमीन हम लोग का है, मेरा बाबूजी खरीदे थे 1980 में लीलामी से। उसके बाद 1983 में हुसैनी मियाँ वगैरह से केस मुकदमा चल रहा था, जिस जो ग्रिड में एक बार डिग्री हम लोग ले चुके हैं और इन लोगों हाई कोर्ट अपील किया, जिसमें थर्ड पार्टी भोला, लल्लू मियाँ, पलटन और मीनू लोग आके यहाँ पे जबरदस्ती काम पैसा के बदौलत पे, ताकत के बदौलत पे काम लगाना चाहता। और जब हम लोग बोलने आए तो बोलते अगर तुम लोग स्पोर्ट जमीन पे चढ़ोगे तो गोली मार देंगे। तो हम लोग पुलिस के द्वारा, पुलिस को लेकर आए, जिसके द्वारा काम को रोका गया। और देखिए ये सारा ईंटा पत्थर वगैरह गिराया हुआ है और बोलता अगर आप स्पोर्ट पे चढ़ोगे तो हम जान मार देंगे। जिस पे देखिए हम लोग का केस चल रहा है कोर्ट में, केस नंबर मुकदमा चल रहा है, मुकदमा नंबर 4883 है। 1980 में हम लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे बाबूजी वगैरह ये नीलामी में लिया है और हमेशा ही लोग धमकी देता है कि अगर ज़मीन पे चढ़ोगे तो गोली मार देंगे। और हम लोग एक बार डिग्री ले चुके हैं गिरिडीह में, हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जबरन ये लोग अपने ताकत के बदौलत पे, बंदूक के बदौलत, और ख़ास करके पलटन बाबू बोलता है कि अभी सरकार मेरा है, विधायक मेरा है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अब बस हम प्रशासन से, सरकार से गुजारिश करेंगे कि हम लोग को न्याय मिले। किनके नाम से ज़मीन है? मेरा बाबूजी मोहम्मद साबिर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद साबिर। कितना ज़मीन है टोटल? टोटल कितना है सो तो बताने हैं, लेकिन तय डिसमिल का मेरे पर डी